वेलकम बैक टू डीपैक्स फाइन आर्ट्स। क्लाउड मोनेट एक क्रांतिकारी कलाकार थे। वो अपनी खूबसूरत इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। मोनेट को प्रकृति से बहुत प्यार था। वो प्रकाश और इस बात से प्रभावित थे कि कैसे प्रकाश चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। मोनेट की पेंटिंग्स चमकदार रंगों और फ्री ब्रश स्ट्रोक से भरी होती है। वो हमारे आसपास की दुनिया की फ्लीटिंग ब्यूटी को कैप्चर करती है। मोनेट का काम इस फिलॉसफी को पूरी तरह से दर्शाता है। मोनेट की पेंटिंग्स अब दुनिया भर के प्रसिद्ध संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। ऑनेस्कर क्लाउड मोनेट का जन्म 1840 में पेरिस में हुआ था। जब वह एक छोटा लड़का था तब उसका परिवार नॉर्मंडी तट पर चला गया था। ले हावेर का समुद्र तटीय शहर उनकी कला के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्हें नावों और समुद्र को स्केच करना बहुत पसंद था। मोनेट ने अपने कलात्मक जीवन की शुरुआत कैरिकेचर बेचकर की थी। हालांकि उनका असली जुनून लैंडस्केप पेंटिंग में था। वो विशेष रूप से बाहर के लिए आकर्षित थे। परिक अकादमिक शैली से अलग थी। वे जीवन और ऊर्जा से भरपूर थे। 1860 के दशक में मोनेट पेरिस में अन्य युवा कलाकारों से मिले। उन्होंने बाहर पेंटिंग करने और जीवन के क्षणभंगुर क्षणों को कैप्चर करने के अपने जुनून को साझा किया। पियरे अगस्ते रेनॉय, एडगर डेगास और कैमिली पिसारो सहित कलाकारों का यह समूह प्रभाववादियों के रूप में जाना जाने लगा। प्रभाववादियों ने कला के पारंपरिक नियमों को अस्वीकार कर दिया। वे दुनिया के अपने निजी छापों को पकड़ने में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने नई तकनीकों के साथ प्रयोग किया, जैसे कि बिना रंग के रंगों और छोटे चौपी ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करना। पेंटिंग की इस नई शैली को पारंपरिक कला प्रतिष्ठान की आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रभाववादियों पर उचित चित्रों के बजाय अधूरे रेखा चित्र बनाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि समूह ने अपनी खुद की प्रदर्शनियां आयोजित की और धीरे धीरे पहचान हासिल की। 1872 में मोनेट ने ले हावेर में बंदरगाह के एक दृश्य को चित्रित किया। उन्होंने इसका शीर्षक इंप्रेशन सनराइज रखा। यह पेंटिंग इंप्रेशनिस्ट आंदोलन का एक परिभाषित कार्य बन जाएगी। इंप्रेशन सनराइज एक धूमिल सुबह के दृश्य को दर्शाता है। सूरज एक लाल नारंगी रंग का गोला है जो बंदरगाह पर उग रहा है। अग्रभूमि में नावें केवल सिलहूट हैं। पेंटिंग को इसके ढीले ब्रश स्ट्रोक और धुंधले वातावरण की विशेषता है। यह उल्लेखनीय तात्कालिकता के साथ सूर्योदय के क्षण भंगुर क्षण को पकड़ लेता है। जब 1874 में इंप्रेशन सनराइज का प्रदर्शन किया गया तो इसने सनसनी फैला दी। कला समीक्षक लुई लेरॉय ने पेंटिंग का वर्णन करने के लिए इंप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया। उनका इरादा अपमानजनक टिप्पणी के रूप में था। हालांकि नाम अटक गया और प्रभाववादियों ने इसे सम्मान के बैज के रूप में अपनाया। भाग 5, क्षण भंगुर को पकड़ना। मोनेट की सीरीज पेंटिंग्स। मोनेट इस बात से मोहित थे कि कैसे प्रकाश ने पूरे दिन वस्तुओं की उपस्थिति को बदल दिया। उन्होंने अलग अलग प्रकाश स्थितियों के तहत एक ही विषय वस्तु की श्रृंखला को चित्रित करना शुरू किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध श्रृंखलाओं में से एक फ्रांस में रुएन कैथेड्रल को दर्शाती है। उन्होंने दिन के अलग अलग समय पर अग्रभाग को चित्रित किया। मोनेट ने घास के ढेर, चिनार के पेड़ और लंदन में संसद भवन की श्रृंखला भी चित्रित की। ये श्रृंखला प्रकृति के उनके सूक्ष्म अवलोकन और प्रकाश और रंग की उनकी महारत को प्रदर्शित करती हैं। भाग 6, वाटर लिली, रंग और प्रकाश की एक सिंफनी। 1890 में
मोनेट ने पेरिस के उत्तर पश्चिम में एक गांव गिवर्नी में एक घर खरीदा। उन्होंने अपना शेष जीवन वहां एक सुंदर जल उद्यान बनाकर बिताया। जापानी पुल और पानी लिली के साथ पानी का बगीचा उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। मोनेट ने अपने पानी के बगीचे को दर्शाते हुए सैकड़ों कैनवस चित्रित किए। ये पेंटिंग्स अपने जीवंत रंगों, झिलमिलाते प्रतिबिंबों और स्वप्न जैसी गुणवत्ता की विशेषता है। पानी की लिली पानी की सतह पर तैरती है, उनके रंग सूरज की रोशनी से तेज हो जाते हैं। वॉटर लिली पेंटिंग सिर्फ एक बगीचे के चित्रण से कहीं अधिक है, वे प्रकाश, रंग और रूप की खोज है। मोनेट ने पानी, प्रतिबिंबों और आकाश के बीच की सीमाओं को भंग कर दिया। उन्होंने अनंत अंतरिक्ष और शांति की भावना पैदा की। खंड 7, सेंट लाजर स्टेशन, कैनवास पर आधुनिकता। जबकि मोनेट को उनके परिदृश्यों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, उन्होंने शहरी दृश्यों को भी चित्रित किया। 1877 में उन्होंने पेरिस में सेंट लाजर ट्रेन स्टेशन के पास एक स्टूडियो किराए पर लिया। वह आधुनिक जीवन की भागम भाग से मोहित था। सेंट लाजर स्टेशन की मोनेट की पेंटिंग औद्योगिक क्रांति की ऊर्जा और गतिशीलता को पकड़ती है। इंजन हवा में धुआं उड़ाते हैं, जिससे एक धुंधला वातावरण बनता है। लोगों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर दौड़ती है। स्टेशन की लोहे और कांच की संरचना आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इन चित्रों के साथ मोनेट ने दिखाया कि प्रभाववाद आधुनिक जीवन की गतिशीलता को पकड़ सकता है, न कि केवल प्रकृति की शांति को। उन्होंने अप्रत्याशित स्थानों में सुंदरता खोजने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। खंड 8, मोनेट की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। 1926 में 86 वर्ष की आयु में क्लाउड मोनेट का निधन हो गया। वह एक विरासत छोड़ गए जो आज भी कलाकारों को प्रेरित और प्रभावित करती है। उन्हें अब तक के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक माना जाता है। रंग और प्रकाश के मोनेट के अभिनव उपयोग ने पेंटिंग में क्रांति ला दी। उन्होंने अमूर्त अभिव्यक्तिवाद जैसे आधुनिक कला आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। क्षणभंगुर क्षण और कलाकार के व्यक्तिपरक अनुभव को पकड़ने पर उनके जोर का 20वीं शताब्दी में कला के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। मोनेट की पेंटिंग्स अब दुनिया भर के प्रमुख संग्रहालयों में रखी हैं। वे अब तक बनाई गई कला की सबसे पहचानने योग्य और प्रिय कृतियों में से कुछ हैं। उनकी सुंदरता, उनके नवाचार और उनकी कालातीत अपील के लिए उनके काम को आज भी सेलिब्रेटेड जाता है। खंड 9, मोनेट की स्थायी अपील। मोनेट की पेंटिंग्स में ऐसा क्या है जो आज भी हमें मोहित करता है? शायद यह उनकी सुंदरता है, हमें दूसरे समय और स्थान पर ले जाने की उनकी क्षमता, या शायद यह उनकी शांति और शांति की भावना है, आधुनिक जीवन की भागम भाग से एक स्वागत योग्य राहत। कारण जो भी हो, इसमें कोई संपन्न ज्वाइफल नहीं है कि मोनेट का काम सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ गूंजता रहता है। उनके चित्र हमें धीमा करने, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने और जीवन में साधारण चीजों में आनंद खोजने की याद दिलाते हैं। मोनेट की विरासत कला की दुनिया से आगे तक फैली हुई है। गिवर्नी में उनके बगीचे अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वे कलाकार के जीवन और प्रेरणा की एक झलक प्रदान करते हैं। भाग 10, निष्कर्ष, एक कालातीत गुरु। क्लाउड मोनेट आधुनिक कला के सच्चे प्रणेता थे। रंग, प्रकाश और ब्रश वर्क के उनके अभिनव उपयोग ने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। उनके चित्र केवल संग्रहालयों में सराहे जाने वाले सुंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, वे कलाकार की आत्मा की खिड़कियां हैं। प्रकृति के प्रति उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है और जीवन की क्षण भंगुर सुंदरता का उत्सव है। मोनेट की विरासत अपार है। उन्होंने